ये ओस्कर्स अपने भारतीय विजेताओं और नामांकित व्यक्तियों की ये पूरी लिस्ट है अभी तक, जितने भी जब से ये ओस्कर अवार्ड स्टार्ट हुआ तब से अभी तक किस किस को मिला है, तो ये पूरा का पूरा हम देख लेते हैं। और पिछले 10 सालों में किस किस को ओस्कर अवार्ड मिले हैं पूरी दुनिया में, उसकी लिस्ट के भी वीडियोज़ हैं बने हुए जो मैंने डाल दिए हैं, तो उनको ज़रूर देख लेना। और ये हमारा लास्ट वीडियो, इसमें लिस्ट ऑफ इंडियन विनर्स एंड नॉमिनीज जो हमारे इंडिया से हुए हैं उनको ही हम देखेंगे, बाकी वर्ल्ड के इतने पिछले 10 सालों का कवर कर लिया तो उससे बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो में अगर ऐड आते हैं तो ज़रूर देखना, और भाई लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें लिस्ट देख लेते हैं किस किस को मिले हैं। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कई भारतीय व्यक्तियों और फिल्मों को विभिन्न श्रेणियों में अकेडमी पुरस्कार मिला प्राप्त किया है। 2023 तक 20 भारतीयों को नामांकित किया गया है और 10 ने वैज्ञानिक और तकनीकी श्रेणी सहित ऑस्कर जीते हैं। 30वें एकेडमी पुरस्कारों में महबूब खान की 1957 की हिंदी भाषा की फिल्म मदर इंडिया श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए एकेडमी पुरस्कार के लिए भारत की पहली प्रविष्टि थी, ये पहली फिल्म थी मदर इंडिया, ठीक है। तो इसमें देख लें इतालवी फिल्म नाइट्स ऑफ बेक केवरिया, तो ये इसके आगे चलते हैं हम, तो ये आगे अपने को मिल जाएगा। ये क्या नाम है यहाँ पर, भानु अथैया रिचर्ड एंटरवरों की गांधी जो 1982 में आई थी के लिए वेशभूषा डिजाइन के लिए एकेडमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। अच्छा फिर नीचे देखते हैं यहाँ पर, ये तो पढ़ लेना, आप पढ़ना हो तो आपको ये पढ़ सकते हो, लेकिन हम चलते हैं डायरेक्ट नीचे। मानद पुरस्कार देखिए 1992 में सत्यजीत रे को जो है ये टिप्पणी की गई थी, मोशन पिक्चर की कला और उनकी दुर्लभ महारत और उनके गहन मानवीय दृष्टिकोण की पहचान के लिए, जिसका दुनिया भर के फिल्म निर्माता और दर्शकों पर अमिट प्रभाव पड़ा है। प्रतिस्पर्धा पुरस्कार यहाँ पर देखते हैं ये कौन सी नामांकित व्यक्ति वो प्राप्तकर्ता का नाम है, पतली परत और वर्ग और परिणाम क्या है, इसको मतलब मनोनीत हुई थी, नॉमिनेटेड हुई थी या फिर जीता था उसने अवार्ड, तो देख लेते हैं। देखिए 1958 में भारत माता जो कि यानी ये फिल्म नॉमिनेटेड हुई थी सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए, ठीक है, ये इसने अवार्ड नहीं जीता था लेकिन नॉमिनेटेड जरूर हुई थी 1958 में। फिर 1961 में इस्माइल मर्चेंट, ये स्त्री की रचना सर्वश्रेष्ठ लघु विषय के लिए ये नॉमिनेटेड हुई थी। फिर 1969 में फली बिली मोरिया की जो फिल्म थी बेघर, जिसे आनंद ने बनवाया था, सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र के लिए नॉमिनेटेड हुई थी। 1978 में ईशु पटेल की फिल्म थी मन का खेल, जिसके सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म के लिए ये मनोनीत हुई थी, नॉमिनेटेड हुई थी। और 1979 में के कपिल की चेहरों से मुलाकात सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र के लिए ये मनोनीत हुई थी। और 1983 में भानु अथैया और रविशंकर ये दोनों की जो फिल्म थी गांधी, उसने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए अवार्ड जीता था ऑस्कर अवार्ड, ये पहला ऑस्कर अवार्ड था भानु अथैया की मूवी गांधी के लिए, वो सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए मनोनीत हुई थी ये फिल्म गांधी। फिर 1987 में इस्माइल मर्चेंट की जो फिल्म थी दृश्य सहित एक कैमरा, ये उत्तम चित्र के लिए मनोनीत हुई थी। 1990 में सलाम बॉम्बे, ये सलाम बॉम्बे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए मनोनीत हुई थी। और 1993 में और 1993 और 94 में इस्माइल मर्चेंट की जो फिल्म थी 1993 में हार्वर्ड्स एंड, ये उत्तम चित्र के लिए मनोनीत हुई थी। और फिर 1994 में दिन के अवशेष उत्तम चित्र के लिए मनोनीत हुई थी, ये दो फिल्में दोनों साल में। फिर 2002 में लगान फिल्म सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए मनोनीत हुई थी ये फिल्म। फिर 2005 में अश्विन कुमार की जो फिल्म थी छोटा आतंकवादी, यह सर्वश्रेष्ठ लघु विषय लाइव एक्शन के लिए मनोनीत हुई थी ये फिल्म। फिर उसके बाद में फिर 2009 में कहाँ चला गया ये, 2009 में, ये थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, 2009 में ये क्या हो गया इसमें, तो 2009 में देखिए रेसुल पुकुट्टी की जो फिल्म थी स्लम डॉग करोड़पति, तो ये है ना सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण के लिए इसने अवार्ड जीता था। और
ये गुलजार की जो फिल्म थी, ये गीतकार थे, ये स्लमडॉग करोड़पति, इसने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए जीता था अवार्ड, और भी अवार्ड जीते थे। सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए अवार्ड जीता था, और ए आर रहमान ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए मनोनीत हुआ था। ये मनोनीत हुई थी, कौन सी फिल्म थी ये? स्लमडॉग करोड़पति, ये याद रखना यहाँ पर। उसके बाद फिर 2011 में जो मूवी थी 127 घंटे, इसने मनोनीत हुई थी सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए मनोनीत हुई थी ये फिल्म। फिर 2013 में बम्बई जयश्री, ये पाई का जीवन, बम्बई जयश्री की जो फिल्म थी पाई का जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए मनोनीत हुई थी ये फिल्म। उसके बाद फिर 2020 में स्मृति मुंदा, ये क्या, मुंद्रा की जो फिल्म थी ये सेंट लुईस सुपरमैन, ये सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए मनोनीत हुई थी। फिर 2022 में रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष की जो फिल्म थी आग से लिखना, ये सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर के लिए मनोनीत हुई थी। फिर MS किरावानी की, ये जो RR, जो MS किरानानी किरावनी की जो फिल्म है RR, ये जिसको अवार्ड अभी जो मिला है आप सभी को पता ही है, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ये जीता है इसने ओरिजिनल के लिए 2023 में। और ये हाथी फुसफुसाते हुए, ये इसका हिंदी नाम है, वो इंग्लिश में पता नहीं क्या प्रेफर ऐसा कुछ था, सर्वश्रेष्ठ विचित्र के लिए इसने अवार्ड जीता। और शोकन सेन अमन मान की जो फिल्म थी बेसब जो सांस लेता है, सर्वश्रेष्ठ विचित्र फीचर फिल्म के लिए मनोनीत हुई थी ये अभी 2023 में। तो ये इतने याद रखना। फिर उसके बाद आता है वैज्ञानिक और तकनीकी पुरस्कार जो जीते हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो 2016 में राहुल ठक्कर और कटालेंगो लियोन, ये दोनों को अवार्ड मिला है तकनीकी उपलब्धि के लिए एकेडमी अवार्ड। और 2018 में मिला है विकास सथाए को अवार्ड, ये तकनीकी उपलब्धि के लिए अवार्ड, मतलब कि नामांकित और प्राप्तकर्ता। अब इसमें देखना पड़ेगा कि नामांकित और प्राप्तकर्ता क्या था, लेकिन आप ये याद रखोगे तो वहाँ पे आप नामांकित या प्राप्तकर्ता एक में से कोई आंसर का इसका आएगा। और इसमें देख लेना यहाँ पर ये भी, ये देखिए कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय विजेताओं, और इसमें अगर आपको देखना है तो विकिपीडिया में आप यहाँ पर जा कर के ये देख सकते हो। जैसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए एकेडमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुतियों की सूची, और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के भारतीय विजेता और नामांकित व्यक्तियों की सूची, ये आपको विकिपीडिया में सारी चीज़ें मिल जाएगी। विकिपीडिया पर सर्च कर लेना, ये सर्च करना विकिपीडिया पर, ये लिस्ट ऑफ इंडियन विनर्स एंड नॉमिनीज ऑफ इंडिया, ये ऐसा कर लेना। तो यहाँ पे ऑफ इंडिया तो नहीं, लिस्ट ऑफ इंडियन विनर्स एंड नॉमिनीज कर लेना, ऑफ द एकेडमी अवार्ड्स ऐसा कर लेना, तो वहाँ पर आपको ये सारी की सारी ये पूरी लिस्ट, लेकिन ये पूरी लिस्ट को ना देख के जरूर जाना, इसमें से एक क्वेश्चन फंस सकता है। और एकेडमी अवार्ड पिछले 10 सालों के तो मैंने वीडियो बनाई दी है, वो कर जाना। उसके अलावा अगर कोई चीज़ है वो अगर बचती है, हाँ नेशनल अवार्ड्स बचते हैं तो उसके लिए आज अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। और उसके अलावा फिर ये पूरी की पूरी इसको बहुत अच्छे से करके जाना, कौन किसने जीता है, कौन सी नामांकित हुई थी और किस साल में हुई थी, ये बहुत ज़रूरी है कि कौन से साल में हुई थी, क्योंकि FTA साल पूछ लेता है, तो यहाँ पर ये साल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और ये अगर आपको देखना हो कान फिल्म समारोह, पिछले साल तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था लेकिन आ सकता है, कोई बता नहीं सकते, तो इन पे भी आप है ना विकिपीडिया में इन पे सर्च करके जाना, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी वीडियो इन पे बना दूंगा, ये ज़रूर कर लेना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।